हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था, सॉरी कल जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, वीडियो तो हम लोगों ने बनाया था, तो जो कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी टिश्यूज के बारे में। ठीक है, कि टिश्यूज क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो ऊतक होते हैं, ऊतकों का काम क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं स्पेशलाइज हो जाती हैं। स्पेशलाइज का मतलब क्या हुआ कि एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं एक ही काम कर रही हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर टिश्यूज जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं बजाय एनिमल के, क्योंकि प्लांट जो है, यानी कि जो पौधा है, उसके किसी भी चीज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, कॉम्प्लिकेशन कम होती है। तो प्लांट बेटा बहुत सिंपल होता है, फिर भी इसके टिश्यूज को हम लोगों ने बहुत टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो यूजुअली हम लोग डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के अंदर। कल मैंने बताई थी आप लोगों को ये चीज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आई रिपीट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर कॉन्टिनेशन में डिवीजन चलता रहता है। कॉन्टिनेशन में जो डिवाइड करते रहते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। और ऐसे टिश्यूज जिनका एक बार डिवीजन हो चुका है और उसके बाद वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि उसके बाद वो स्पेशलाइज हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि BSc सब लोग करेंगे, BSc जो है वो सब लोग करेंगे, लेकिन BSc के बाद में आप लोग सारे स्पेशलाइज हो जाओगे। कोई BSc करने के बाद में MSc केमिस्ट्री करेगा, कोई MSc बॉटनी करेगा, कोई MSc जूलॉजी करेगा, कोई माइक्रोबायोलॉजी में जाएगा, कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाएगा, कोई कुछ और काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं कंबाइंडली इन फॉर्मेट में बोलूँ तो आप लोग क्या हो जाओगे, अपने फील्ड का स्पेशलाइजेशन करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब आप PG में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे, तो आप लोग स्पेशलाइज हो जाओगे ना। ऐसे ही सारी कोशिकाएं डिवाइड कर रही हैं, सब कोशिकाएं क्या कर रही हैं, विभाजित कर रही हैं, विभाजन हो रहा है, सारी कोशिकाएं डिवाइड कर रही हैं। तो जब सारी कोशिकाएं डिवाइड कर रही हैं और डिवीजन के बाद में जब वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, जब डिवीजन करती हैं, यानी कि जब वो विभाजन करती हैं, तो उन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं विद्योतक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं उनको, विद्योतक कोशिकाएं। और जब वो कोशिकाएं स्पेशलाइज हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, तो उन टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज की। तो बेटा परमानेंट टिश्यूज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम पे जो पौधे हैं उनके पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो एक तो क्या होगा प्लांट्स के पास, जाइलम, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास दो चीजें हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, प्लांट को वाटर का इंटेक देना, यानी कि पौधों को पानी प्रोवाइड कराना, जो कि रूट हेयर्स क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, और उस रूट हेयर्स को आगे कहाँ पे पहुँचाना, टिप तक पहुँचाना, उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो जो टिश्यू है, वो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोगों ने नाम दिया जाइलम। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्लोएम क्या होता है, आई रिपीट, फ्लोएम का मतलब होता है कि जहाँ पे लीव्स फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फूड बना रही हैं, तो उस फूड के अंदर जो फूड है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर वो मूव करेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोगों ने ट्रांसलोकेशन कहा था। तो फूड मूवमेंट हो गई। तो ये वाले टिश्यूज जो होते हैं ये भी एक स्पेशलाइज होते हैं और ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जटिल ऊतक। ये कौन से हो गए, जटिल ऊतक, और ये वाले कौन से हो गए, सरल ऊतक। अब इसमें भी तीन टाइप में हम लोगों ने पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा मृदूतक, स्थूल कोणोतक, इसको हम पोलेनकाइमा बोलते हैं, और तीसरे आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों
गोलाकार होती है, आयताकार होती है, बहुभुजी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, ये वाली, ठीक है, इनके बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम इंट्रासेलुलर स्पेस या फिर इनको हम अंतर कोशिकीय अवकाश बोलते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं, खाली अवकाश प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम अंतर कोशिकीय अवकाश बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। जो ये पैरेन्काइमा टिश्यूज है,
प्रोटीन हो जाती है यानी कि लिग्निन युक्त हो जाती है। ठीक है, कभी कभी इनकी कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है, लिग्निन युक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होता है, जहां पे भी स्टोरेज होता है वहां पे कई बार की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्यों के आधार में इनको किन किन भागों में बांटा जा चुका है। तो कार्यों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम बात करें। Thank you.
बड़े होते हैं जिसमें एयर स्पेस होगा तो वो जलीय पौधों में होता है, उनको हम बायोटा बोलते हैं। किसी के अंदर क्लोरोफिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लाज्म बोलते हैं। किसी के अंदर कोशिकाएं तारक या तारे के आकार की होती है तो उनको हम सैटेलाइट प्लैंकटा बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है इडियोप्लाज्म जिनके अंदर कैल्शियम पेप्टेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो एक तरह का वेस्ट होता है प्लांट का उसको वो सेव करके रखते हैं। तो इसके कार्य क्या है, अगर मैं इसके वर्क के बारे में बताऊँ तो ये इसमें एयर जो होती है वो भर जा सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एयर को संग्रहित करते हैं जिसकी वजह से जलीय पौधे जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। ये दीर्घ होते हैं मतलब बड़े होते हैं, तो ये कई बार यहाँ पे ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं, ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, तो ये स्टोरेज का एमा भी कहलाते हैं, ठीक है। ये गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई भी पादप का पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सबसे पहले टिश्यूज कौन से बनते हैं, पैरेन्काइमा बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आज आपको बताया पैरेन्काइमा के बारे में, इसके बारे में कल हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।